120 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर स्टार्ट होगा अब से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपकुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारकों और शिक्षाविदों को जन्म दिया है। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है, तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, उसका प्रभाव हर देश के नवयुवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चितता और सीधे साधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में हैं। इससे दोनों का संघर्ष बढ़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मानदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रही है। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से, जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं, मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। पैरा चेंज अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, न पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए एड्स की कोई ना कोई दवा निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा न मिले, तब तक हमारे पास क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है शिक्षा एड्स पर। अगर मुझे आप क्षमा करें, तो समाज के जो नेता हैं, वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है, यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी, तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई और विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं? जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं,
इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने नहीं, उन्होंने मान लिया, इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं उनको दोष नहीं देता, अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा कि यहाँ कृष्ण हुए इसलिए नहीं, हो सकता महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहाँ शिवाजी हुए इसलिए, यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अज्ञान कहां तक हो सकता है, यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक चलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की भूमि है इसलिए यहां पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा। स्टॉप। हेलो दोस्तों, 120 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर आपने लिखा है उससे संबंधित मैं आपको आउटलाइंस देने जा रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिए। स्टार्ट करें। सकारात्मक, देखिए सकारात्मक जब भी आएगा तो ये और मैं हो गया ना, तो इसका मतलब रूप में, ठीक है। असंतोष, असंतोष देखिए इसको ध्यान से देखिए, सामाजिक और ध्य से कटे तो धार्मिक और रह से कटे तो राजनीतिक। सुधार को दोस्तों, एक सुधार को तो हमारे सामने ये है ना, एक सैनिक को सुधार को, ये ज्यादा अच्छा है दोस्तों। इसके बाद हमारी अपलाइन शिक्षा विदो, देखिए शिक्षा विदो। पर्वतारोहण, देखिए पर्वता और अणय कर जाएगा रोहण। औसत, ये और अब जाएगा क्षय में उत्थ, अंतरिक्ष, अंतर में क्षय लगा दो या फिर अंतर में क्षय लगा दीजिए। परिवर्तन दोस्तों, परि मैं और नय बड़ा कर देंगे बहुवचन, परिवर्तन इसी से होगा हमारा परिवर्तित। अभ्यस्त, आप चाहो तो इस तरह से अभ्यस्त बनाइए इस तरह आंकड़ा लगाकर या फिर अभी और इस तो अभ्यस्त। नवयुको, नौ बनाएंगे इंग्लिश की गणित वाला बहुवचन पर नवयुको दोस्तों। इसके बाद है हमारी आउटलाइन बुजुर्ग, क्या करेंगे वै जय रे और गय बुजुर्ग। मानदंड, मानदंड संस्कृति से और कै को डबल करने के बाद और तय और ई। अंधविश्वासों, अंधविश्वासों दोस्तों कैसे, ये तो देखिए विश्वास, अंक विधि अंधविश्वास और ये अंधविश्वास। रीति रिवाज, देखिए रीति रिवाज और जय बहुवचन रीति रिवाज। परंपराओं, क्या करेंगे हम दोस्तों परंपराओं में, परंपराओं में दोस्तों हम ये करने वाले हैं कि पैकाकड़ा आंकड़े डंडे का अंकित परंपरा, परंपराएं परंपराओं, तो हमारी आउटलाइन बनेगी परंपराओं। समझना चाहिए सह में जय में समझना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारी आउटलाइन है पाएंगे, क्या करेंगे हम पै अंकित बिंदु पाएंगे। कन्याओं, कन्या बहुवचन कन्याओं। बहुत आवश्यक, बहुत का शब्द चिन्ह आवश्यक को बड़ा और है। प्रार्थना पैर है और थैर में है ना, उसके बाद में है हमारा क्या है संसद सदस्य है। क्या करेंगे संसद सदस्य में दोस्तों, हम संसद सदस्य में हम करेंगे दोस्तों संसद और सह से काट देंगे सदस्य। आधे घंटे, देखिए आधे और घे से काट देंगे एक ही मात्र घंटे। कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखते हैं, इस प्रकार की, इस प्रकार की एड्स, ये हो जाएगा ब्लड बैंक, ये हमारा ब्लड बैंक आंकड़ा लगे तो बैंक। उपस्थित उप और इसका आंकड़ा कृष्ण कह रहे और शन का आंकड़ा कृष्ण। प्रांत, ये हो जाएगा हमारा अंकित बिंदु के प्रांत दोस्तों। पता और चय और तय है कि, ये तो पता चलता है कि पता जिसमें लय का आंकड़ा गया और तय का आंकड़ा नहीं है तो पता चला है कि, पता चलता है कि पता चला है कि। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, दो आउटलाइन रहेंगे हमारी गौतम वैसे काट देंगे बुद्ध या फिर गौतम और वह का अपना बुद्ध। धकेल धै काटेंगे हम यही और कह लेने एक ही मात्रा धकेल। तो दोस्तों इसको बार बार लिखिए और बार बार नकल
कीजिए, बार बार आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और 2 से 3 बार फिर कोशिश करिए लिखने की। ऑल द बेस्ट।